हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। इसमें हम बात करने वाले हैं किसी कंडक्टर मीडियम से, जब कोई कंडक्शन प्लेन जो होता है उससे जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होती है तो वहां पर उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली जब हम इसके रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं तो कंडक्शन प्लेन में हो रहा है। दूसरा ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर, यानी कि जो इंसिडेंट हो रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रहा है। इंसिडेंट जो हो रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऐसा करता है तो हम इसको मीडियम वन लेते हैं, इसको हम यहाँ पे मीडियम टू लेते हैं। इसके लिए म्यू वन हो जाएगा, एप्सिलॉन वन हो जाएगा, इसके लिए म्यू टू हो जाएगा, एप्सिलॉन टू हो जाएगा। आप देखो यहां से जो वेव आ रही है, यानी कि प्रोपोगेशन, वेव की प्रोपोगेशन जो हो रही है वो क्या कैसे हो रही है, नॉर्मल। ये कैसा है, नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग हो रही है। तो यहाँ पे के आई भी प्रोपोर्शनल इसी तरफ होगा, के आर भी इसी तरफ होगा, तो थीटा आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा आर जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा, और ट्रांसमिशन जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा, थीटा टी, वो भी जीरो हो जाएगा। मतलब तीनों एंगल यहाँ पे थीटा है। इसको हम कहते हैं नॉर्मली इंसिडेंट। क्या कहते हैं, नॉर्मली इंसिडेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है, यहां से हम इस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, देखो बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि अब यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है तो सीधा हम क्या करते हैं, देखो एक्चुअली तो होता तो ये है, क्या होता है कि थीटा आई प्लस थीटा आर। अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस आएगा, दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये आर हो जाएगा और वो कि टी के इक्वल होगा। अब थीटा यहाँ पे जीरो है, तो अगर मैं इसको लाइक उसका कॉफिशियंट भी लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आप क्या कर सकते हैं, इसको थीटा आई लिख सकते हैं, या फिर मैं काम करूँ ना यहाँ पे, चलो थीटा मुझे जीरो की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा यार, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई को हम लिखते हैं यार ई नॉट, क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ई नॉट। ई को हम क्या लिखते हैं, ई नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन ओमेगा टी। तो ये क्या होगा, सबके लिए बराबर होगा। तो यार सबके लिए बराबर होगा तो सब कट जाएगा ना, तो इंसिडेंट है तो आई नॉट आई हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड है तो ई नॉट आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई नॉट टी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब ऐसी टाइप से, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा इसलिए होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके जस्ट इसके बाहर की तरफ होगा ना, ऊपर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। ये क्यों ऐसा आ रहा है, मैं अगर बताना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, पैरेलल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होता है तो क्या होता है, माइनस आता है। हमने ऐसा डेरिवेशन पहले भी किया है। अब बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। तो यहां से है ना, इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा कि हमेशा एच जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, के इंटू ई टी, के इंटू ई, एक्चुअली के क्रॉस होता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, के क्रॉस अपॉन ये होता है म्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जब हम यहाँ पे इसके लिए वैल्यू लिखेंगे सीधा ई नॉट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंसिडेंट प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा ई नॉट आई अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू वन, फर्स्ट मीडियम है इसलिए म्यू वन हो जाएगा, और यह आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। प्लस इसके लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, के आर, ये हो जाएगा ई नॉट आर अपॉन ये क्या हो जाएगा, म्यू वन। देखो सेम उसी मीडियम में है ना, रिफ्लेक्शन भी उसी मीडियम में हो रहा है ना। यहाँ पे देखो के आर भी इसी मीडियम में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, देखो एक सेकंड, के आर है ना यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट होगा, सॉरी जब के आई ऐसे जा रहा था के आर अपोजिट होगा ना यार, तभी तो ये माइनस आएगा ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई। ये जो चीज है ना यहाँ से ऐसे होगी भाई, रिफ्लेक्शन तो उल्टा ही होगा, इसलिए यहाँ पे तो माइनस आ रहा है। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इसके इसके उल्टा है इसका, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, ये म्यू वन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, लाइक फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा के टी, ये हो जाएगा ई नॉट टी अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू टू ओमेगा। अब ये देखो सेकंड मीडियम में, इसलिए म्यू टू हो जाएगा। अब देखो सारे अब देखो कंडक्टर मीडियम के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो ना वो आपस में कट हो जाता है। एक्चुअली इसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे म्यू म्यू ले रहे हैं, हम अगर म्यू वन म्यू टू नहीं लेते, अगर मैं उसको इक्वल ले लेता हूँ तो यार ये क्या हो जाएगा, पूरा कट हो जाएगा। जनरली हम लिखते हैं ये है, पर म्यू वन म्यू टू दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर टू। तो ये क्या मिलेगा, ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जो के आई और के आर है, अब देखो के आई इज इक्वल टू के आर दोनों इक्वल हो जाएगा, तो मैं इसको के आर लिख दूंगा, के आई लिख दूंगा, के आई प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, इंसिडेंट प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा, तो वो हो जाएगा के टी अपॉन ये हो जाएगा के आई, और यहाँ आ जाएगा ई नॉट टी।
ओके। अब क्या करना है यहां पे, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर ये वन है, ये टू हो जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ई आर यहां से कट हो जाएगा, तो ई नॉट आर कट होते क्या मिल जाएगा, टू ई नॉट आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा के आई प्लस ये हो जाएगा के टी अपॉन ये हो जाएगा के आई और ये हो जाएगा ई नॉट टी। अब आप देख सकते हैं इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहां से ई नॉट टी कॉमन आएगा। एक्चुअली जब हम लिखेंगे ना आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगा पहले ई नॉट टी को ले लूंगा कॉमन, फिर ये हो जाएगा वन प्लस के टी अपॉन के आई। अब जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो यार ये हो जाएगा ई नॉट टी इंटू के आई प्लस के टी अपॉन ये हो जाएगा के आई, ये एलसीएम लेने के बाद का टर्म आता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हमको डिवाइड करना है, तो किसमें डिवाइड करते हैं भैया, हम ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई करते हैं, है ना, ई नॉट टी में ई नॉट आई का डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा यहां से इसको, तो आप देखेंगे मैं इसमें इसका डिवाइड कर रहा हूं, मतलब क्या आ जाएगा, टू के आई अपॉन के आई प्लस के टी। अब देखो ये कैसा आया, चलो मैं इस टू को यहां से हटा के इधर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर सकता हूं, इसको नीचे ले आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और दूसरा, जब ये अब दूसरा क्या कर रहे हैं हम, ई नॉट टी में इसका डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये पूरा टर्म इधर आ रहा है ना, ये वाला टर्म इधर आ रहा है, ये वाला टर्म उधर जा रहा है, ऐसे समझो आप, एक काम करो इसको ऐसे समझो, ये वाला टर्म को हम नीचे भेज रहे हैं, इसके नीचे आ गए रेशियो में, ठीक है। अब इसके नीचे आया और ये टर्म उधर जा रहा, तो टू ऑलरेडी है, के आई ऊपर जाएगा, के आई प्लस के टी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं कि जब हम ई नॉट आर अपॉन ई नॉट लाइक आई फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा के टी माइनस के आई, ओके, अपॉन हो जाएगा के टी प्लस के आई। अब देखो ये आता कैसे बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने इसके बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं पिछले, उसमें भी हमने समझा होगा। यहां से क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, यहां से हम अगर ई नॉट टी का वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर देंगे तो हमको ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। क्या करना है हमको, ई नॉट टी को हटाना है, तो इसमें से ई नॉट टी को रिप्लेस करना, वहां से हमने ई नॉट आर को रिप्लेस किया था, यहाँ पे हमने ई नॉट टी को रिप्लेस कर दिया, तो ये अलग अलग हो जाएगा ना, यहाँ पे कहीं पे भी ई नॉट आर नहीं आ रहा, इसमें कहीं पे भी ई नॉट टी नहीं आ रहा, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि के आई जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू इंटू वी। अब देखो जनरली मैं बताना चाहूंगा आपको, बताना चाहूंगा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी होता है वेव प्रोपोगेशन अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया वेव प्रोपोगेशन अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब मैं अगर यहां से वेव प्रोपोगेशन निकालना चाहता हूं तो ओमेगा इंटू वेलोसिटी लेना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू सी। सी क्या होता है भाई, सी मतलब लाइट की स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इंसिडेंट के लिए फाइंड करता हूं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से चलता हूं, हमने प्रूव किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा रूट ऑफ। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, वन बाई सी होगा। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, गलत कर दिया है। यहाँ पे आपको के का जो वैल्यू मिलेगा, के का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा बाई सी, सॉरी फॉर दैट, ये होगा प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट जो होता है वो ये होता है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, यानी कि वेलोसिटी जो होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन प्रोपोगेशन होता है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट निकालना चाहता हूँ के आई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू सी जो होता है क्या होता है, वन अपॉन रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा, रूट म्यू एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको यहां रख देंगे, अब देखो फर्स्ट मीडियम के लिए लिख रहा है इसलिए फर्स्ट मीडियम लिख देंगे, तो फर्स्ट मीडियम के लिए पुट करेंगे भाई साहब यहाँ पे, और दूसरा मैं यहाँ पे के आर निकालूंगा। देखो के आर भी निकाल लेते हैं यहाँ से, के आर हो जाएगा ओमेगा इंटू, देखो रिफ्लेक्शन भी उसी मीडियम में हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी म्यू वन हो जाएगा, और मैं जो के टी निकालूंगा रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम में हो रहा है तो म्यू टू एप्सिलॉन टू हो जाएगा, क्योंकि दूसरे मीडियम के लिए पैरामीटर म्यू टू और एप्सिलॉन टू होता है। हालांकि जनरली म्यू वन और म्यू टू को हम इक्वल लेते हैं, तभी तो यहाँ से सारे टर्म हम कट करते हैं ना भाई, पर इक्वल लेते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, पर यहाँ पे हम तो म्यू वन म्यू टू से डिनोट करेंगे। होता क्या है देखो, KT जो होता है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है। अब देखो ये कहां से आया, इमेजिनरी होता है, ठीक है, ये हमने ऐसा लेट किया, का वैल्यू ये है। तो देखो KT क्या हो जाएगा, KT क्या हो जाएगा, अगर मैं KT की वैल्यू यहां से फाइंड करता हूं क्या हो जाएगा, यहां से वन प्लस सॉरी ओमेगा, लाइक अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा, अल्फा की वैल्यू ओमेगा आ जाएगी ना, इसका वैल्यू आएगा ओमेगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन टू म्यू टू, इसका वैल्यू तो यही है अल्फा रियल पार्ट। अब इसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि कंडक्शन यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण आता है भाई, हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वन प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन ये होता है यहाँ पे एप्सिलॉन टू फ्रीक्वेंसी, और इसका पावर होता है वन बाई टू,
ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत अच्छा रिलेशन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो ऑन पुटिंग इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ऑन पुटिंग क्या हो जाएगा, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई में इसकी वैल्यू पुट करेंगे केटी की, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करने पे ये मिलेगा आपको एप्साइलन टू म्यू टू, और क्या हो जाएगा एप्साइलन टू म्यू टू हो गया, और जब हम इसका रिली इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा बार है, इसको हमने अंदर लिख दिया है, ये ओमेगा बार है, इसको हमने अंदर लिख दिया और कुछ नहीं किया। माइनस क्या हो इनटू में क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्साइलन टू ओमेगा, ये हमने किसकी वैल्यू रखी है केटी की। अब किसकी वैल्यू आएगी, केआई की वैल्यू, तो केआई की वैल्यू हम यहां से रखेंगे भाई, केआई की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, चलो इसको हटा देते हैं, केआई की वैल्यू रख देते हैं यहां पे, केआई की वैल्यू ये पड़ी, क्या होता है केआई की वैल्यू, अगर मैं केआई की वैल्यू को इसके अंदर रखूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, म्यू वन एप्साइलन वन और ओमेगा स्क्वायर, इसको भी मैंने अंदर डाल दिया भाई साहब, ओमेगा बाहर है इसको अंदर डाल दे, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या आएगा देखो केटी, ये का ये टर्म लिखना है, फिर प्लस कर दो उसको, तो ये हो जाएगा एप्साइलन टू म्यू टू ओमेगा स्क्वायर, एप्साइलन टू म्यू टू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्साइलन टू ओमेगा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस, सेम एज इट इज, यहाँ पे क्या है केआई है वापस, इस ओमेगा को अंदर लिख देंगे तो अंदर लिखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा वन सॉरी एप्साइलन वन म्यू वन एप्सिलॉन वन और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये सेम वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे आप किस पे डिपेंड किस पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेशल केसेस की बात करते हैं। देखो अगर सिग्मा बड़ा है ओमेगा से, ये सिग्मा अपॉन ओमेगा हो रहा है ना भाई, अंदर टर्म क्या बन रहा है सिग्मा अपॉन ओमेगा, सिग्मा ओमेगा से बड़ा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते, सिग्मा बहुत बड़ा है ओमेगा से, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं सिग्मा बहुत बड़ा ओमेगा से, अगर मैं कहता हूं कि 1000 में मैं 0.1 का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा ना, 0.0001 का डिवाइड करूंगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, तो ये वाली बात यहीं पे है कि भैया जब हम इसको यहाँ पे लाइक डिवाइड करें ना, सिग्मा बहुत बड़ा है, चार्ज डेंसिटी बहुत बड़ी है फ्रीक्वेंसी से, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, स्टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि सिग्मा जो है वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। सिग्मा भाई देखो ओमेगा अपॉन ये है, हम कह रहे हैं कि भाई सिग्मा बहुत बड़ा ओमेगा से, तो मतलब ओमेगा टेंस टू जीरो, ओमेगा बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब 0.00001 जो होगा वो जीरो की, वो उसको हम जीरो ही लेंगे ना भाई, जब ओमेगा जीरो हो जाएगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, उस केस में हम लिखेंगे व्हेन व्हेन रिफ्लेक्ट फ्रॉम परफेक्ट कंडक्टर, अगर हम यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर लेंगे यानी कि आइडियल लेंगे तो उसके लिए तो सिग्मा इनफाइनाइट होगा, जनरली आइडियल कोई होता नहीं है, तो आइडियल लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे टी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो आर इसको हम आर कहते हैं ना, आर प्लस टी क्या हो जाएगा, वन होता है, और ये हम यहाँ पे प्रूव कर दिया, और ये हमेशा वन ही होता है। दूसरा सेकेंड बात करते हैं यहाँ पे, सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा फॉर गुड कंडक्टर, वो तो आइडियल हो गया, अब बात करते हैं फॉर गुड कंडक्टर, अब देखो गुड कंडक्टर तो आइडियल के केस में हो गया, अब देखो गुड कंडक्टर में क्या होगा, आर का वैल्यू मिलेगा आपको वन, में पूरा सॉल्व करने पे ना, इसको इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना पूरा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, देखो आर का वैल्यू क्या मिलता है आपको, मॉड ऑफ ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई का स्क्वायर होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं ना यार, वो मिलता है आपको वन माइनस रूट ऑफ 2 ओमेगा एप्सिलॉन 1 अपॉन सिग्मा होता है, और इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा ये हो जाएगा, और टी का वैल्यू क्या हो जाता है, टी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई, इसका ना टी का वैल्यू के लिए टी आता ना, टी आता सॉरी यहां पे टी होता है, तो ये होता है ई नॉट आई ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई होता है, इसका स्क्वायर होता है, साथ में होता है के टी अपॉन के आई, फिर ऊपर होता है कॉस ऑफ थीटा टी, नीचे होता है कॉस ऑफ थीटा आई, इसको पूरा सॉल्व करता है ना, इसकी वैल्यू वहां से लाता है ऊपर, हमारे पास में इसकी वैल्यू है ट्रांसमिटेड के लिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे है ना, कहाँ फाइंड किया हमने ट्रांसमिटेड के लिए, यहाँ पे ये तो हो गया ये आर, और ट्रांसमिटेड के लिए हम वैल्यू जनरली फाइंड यहाँ पे नहीं करते हैं, चलो उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू वन माइनस आर हो जाएगा, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन से वन कट हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एप्साइलन टू ओमेगा एप्साइलन अपॉन सिग्मा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉन नेगेटिव, क्या आ रहा है नॉन नेगेटिव का दूसरा इसके साथ में ना मैग्नेटिक भी नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होगा दूसरा, ये नॉन नेगेटिव आ रहा है ना, नॉन नेगेटिव, तो ये क्या होगा गुड कंडक्टर के लिए क्या होगा, तो दिस इक्वेशन शो द गुड कंडक्टर रिफ्लेक्टर, तो क्या कहते हैं कि भाई गुड कंडक्टर जो होते हैं वो अच्छे रिफ्लेक्टर भी होते हैं, क्या बताता है
क्या लिखेंगे, गुड कंडक्टर इज आल्सो, गुड कंडक्टर्स आर आल्सो गुड रिफ्लेक्टर। कहने का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का सम हमेशा बराबर होता है। आपने अभी ऊपर हमने प्रूफ कर दिया कि टी प्लस आर बराबर वन होता है, तो आर का वैल्यू हमारे पास में, तो टी का वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे। टी का वैल्यू इससे निकाल लो, टी का वैल्यू ये रखने की जरूरत ही नहीं, इसको छोड़ो, इसको हम यूज नहीं लेंगे, टी का वैल्यू सीधा हम इससे कर लेंगे। अभी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया ये इसके बराबर होता है, तो आर प्लस टी बराबर वन हो गया, तो टी का वैल्यू मैंने बिल्कुल इजीली निकाल सकता हूं। तो इससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे है ना, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ आर ही फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे थीटा फाइंड टी फाइंड नहीं करते, क्योंकि टी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको पता है भाई आइडियल के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो गुड कंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं और ये वाला रिलेशन इसके लिए निकालते हैं, जो कि हम बताता है कि भाई गुड कंडक्टर जो होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है। तो आई होप आपको ये जो कंडक्शन प्लेन में जो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।